हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं बैलेंसिंग का पार्ट 7। इस लेक्चर में हम इनलाइन 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन को बैलेंस करना देखेंगे। इसी तरीके से इनलाइन 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन को भी बैलेंस करना देखेंगे। क्या उसका फायरिंग ऑर्डर होता है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, किस हिसाब से हमें क्रैंक्स उसकी रखनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखिए होता क्या है, 4 सिलेंडर है। अगर हम प्राइमरी क्रैंक की बात करें, 4 सिलेंडर है, ठीक है, और आपस में उनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री पे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहला सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर के बीच में एंगल कितना रखते हैं, 90 डिग्री, ताकि इंजन तुरंत स्टार्ट हो जाए। 2 सिलेंडर इंजन में हम ये सब चीज़ देख चुके हैं जब हमने लोकोमोटिव्स की बात की थी। तो आपस में एंगल कितना है, थीटा। इसको कहेंगे, इस डायग्राम को क्या कहेंगे, प्राइमरी प्राइमरी क्रैंक अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। और ये सिलेंडर, फोर सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स का अरेंजमेंट हमने दिखाया, कैसे उनका क्रैंक, ठीक है। तो देखो, अगर ये तो हमने बनाया प्राइमरी का, जिसमें आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, यही इस पहले और तीसरे के बीच में 180 डिग्री है। अगर आपसे कोई कहे यही आपको सेकेंडरी क्रैंक का, सेकेंडरी क्रैंक बोल सकता है, या इंटरव्यूअर आपसे इमेजिनरी क्रैंक भी बोल सकता है, और ये पक्का पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखो पहले और दूसरे में कितना एंगल है, मैंने बताया 90 डिग्री है। सेकेंडरी में क्या हो जाता है, जस्ट एंगल डबल हो जाता है। अगर हम पहले को मैं ये डायरेक्शन बनाऊंगा तो दूसरे की मेरे को कहाँ बनानी पड़ेगी, इधर बनानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे और तीसरे में कितना एंगल है, अभी प्राइमरी में 90 है, अरे यार 90 है, तो दूसरे और तीसरे में कितना हो जाएगा, फिर यहां पर भी 180, यानी कि 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में कितना एंगल है, 180 डिग्री, और पहले और उसमें भी 180 डिग्री था। डायरेक्शन में इधर से बना देता हूं क्योंकि हम 2 से 3 में चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से 3, 4 और 1 में कितना एंगल था, 90 डिग्री था, तो यहां पर 4 और 1 में कितना हो जाएगा, 180। तो ये 4, 4 कहां पर आएगा, यानी कि यहां आएगा। तो यानी कि इस तरीके से हम सेकेंडरी क्रैंक को इस तरह से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से इसको ज्योमेट्रिकली, हम ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फायरिंग ऑर्डर का बहुत फर्क है, मतलब बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम जिस हिसाब का फायरिंग ऑर्डर बनाते हैं ना, तो हमारा जो प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी कपल है, सेकेंडरी फोर्स है, सेकेंडरी कपल है, सब चीज हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए, ठीक है, हमें कोई भी, हमें इस तरह से फोर्स ना लगे कोई भी हमारा, ठीक है, जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब का हम फायरिंग ऑर्डर बनाते हैं कि ये जो प्राइमरी फोर्सेस हैं या कपल है, ये हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो देखो, हमें प्राइमरी, ये मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कैसे इसका फायरिंग ऑर्डर, अभी हम ना कोई रैंडमली लेके चलते हैं, ठीक है, कोई भी फायरिंग ऑर्डर, कैसे फायरिंग ऑर्डर, मतलब क्या फायरिंग ऑर्डर होता क्या है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर हम यहां पर 4 केस लें, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट पे है, दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है, ये चौथा सिलेंडर है, ठीक है, इसके सेंटर से हम एक रेफरेंस लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्लेन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पहले की बात करें, सब पे हम ऐसे एक, अभी हमें पता नहीं है कि क्या इसमें प्राइमरी कपल जीरो होगा या प्राइमरी फोर्स जीरो होगी, अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी हम किस हिसाब का केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट किस हिसाब का ले रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा, और ये एंगल प्राइमरी की बात कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा, और ये 270 प्लस थीटा, क्योंकि आपस में इनका एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो ये किस किस तरीके से केस बना, ये इस तरीके से बना, 1 2, फिर क्योंकि दूसरा, ये दूसरा है, फिर ये उसके बाद तीसरा आया, और ये 4 आया,
ठीक है। देखो, और ये रेफरेंस प्लेन माना, इधर की साइड सब नेगेटिव लेते हैं और इधर की साइड पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे इसको शो करा सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, देखो एनालिटिकल तरीके से देखते हैं। पहला जो केस होगा, आप खुद सॉल्व करके देखना, नेट फोर्स देखेंगे हम इसमें, ठीक है। प्राइमरी की बात करें, किसकी प्राइमरी, पी अगर मैं लिखा तो प्राइमरी है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर पहले के लिए कॉस थीटा प्लस दूसरे के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा, दूसरे के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब तीसरे के लिए कॉस 180 प्लस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर के लिए 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कैंसल हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी कि नेट प्राइमरी फोर्स कितना आ गया यहां पर, जीरो आ गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना होता है, मोमेंट भी निकालना होता है, ठीक है। क्या निकालना होता है हमें, मोमेंट भी निकालना होता है। देखो उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो एंगल है, अब ये देखिए इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल है, ये भी पूरा कितना था, एल है, और ये भी कितना था, एल है। तो इस, क्योंकि हमें जो मोमेंट निकालना होगा इस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3/2 L, और ये भी कितना होगा, 3/2 L, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 1/2 है, एल जोड़ेंगे तो 3/2 L हो गया। तो देखिए ये इस एक्सिस के अबाउट इधर की साइड है, ठीक है, और ये इधर की साइड है, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव वाला केस है, और इधर की साइड कौन सा होता है, अगर ये रेफरेंस प्लेन है ये नेगेटिव होगा, डिस्टेंस जो होगा अब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका इसी तरीके से क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे नेट प्राइमरी वाले केस में, देखो क्या होता है वो, एम आर ओमेगा स्क्वायर तो देखो कॉमन ले लेते हैं सब में, ठीक है। बात रहेगी एंगल की, कॉस थीटा की और इनटू डिस्टेंस की। तो पहले केस को देखते हैं, कॉस थीटा है पहले केस में, थीटा एंगल है, और डिस्टेंस क्या है पहले केस में, देखो पहले वाले के लिए इस रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितना है, 3/2 L है, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा है, उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस ये कितना है इसके लिए देख रहे हैं आप, -L/2, ठीक है। अगले केस के लिए cos 180 प्लस थीटा एंगल हो गया, इनटू डिस्टेंस इसके लिए कितना, L/2 तीसरे, और प्लस का लेंगे इस बार क्योंकि हम रेफरेंस प्लेन के अब इधर चल रहे हैं, ठीक है। अगले वाले के लिए प्लस कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू डिस्टेंस कितना होगा, 3/2 L, ये करते हैं ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, L/2 भी यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं -sin θ, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये नेगेटिव आएगा, -cos θ हो जाएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी -sin θ आ जाएगा। तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू लगभग क्या आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 L sin θ -cos θ, देख लेना इसी टाइप की वैल्यू आएगी। अब देखो ये जीरो नहीं हुआ, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल, इसको जीरो, इसको फिर जीरो रखेंगे, ठीक है। फिर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आप यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने स्वाइंग कपल और मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स निकाला था उसी सेम तरीके से, ठीक है। तो नेट प्राइमरी फोर्स यहां पर मुझे लगता है √2 आएगी, हाँ, तो इससे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आप किस में रखेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2√2 mr ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये क्या आ जाएगी,
नेट मोमेंट आ जाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब है, मैंने कोई भी फायरिंग ऑर्डर लेके बताया था यहाँ पर, और देखो यहाँ पर प्राइमरी फोर्स गड़बड़ होगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो यानी कि जो हम फायरिंग ऑर्डर हमें चेंज करना होगा या ट्राई करनी होगी दूसरा फायरिंग ऑर्डर लगाने की इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से था। अगर आप इसमें, अगर इसी तरह से आप इसका सेकेंडरी केस भी देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं एक फायरिंग ऑर्डर चेक करके देखूंगा, ठीक है? ठीक है, जो बुक्स में भी डायरेक्ट गिवन है, हम भी उसी तरीके से इसको चलेंगे, ठीक है? मैं एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। बहुत आसान है, एक बार अगर समझ आए मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं इससे, क्योंकि एक बिल्कुल एक बार अगर एक जरा सा भी बेसिक इसका हटाना आपका दिमाग से तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसमें जो सिलेंडर्स का अरेंजमेंट करना है, फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन में, देखो इस इंजन में क्या होता है, दो हमारे आउटर क्रैंक्स होते हैं और दो इनर क्रैंक्स होते हैं, ठीक है? और इनर क्रैंक और आउटर क्रैंक के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हमने टू सिलेंडर इंजन में भी पढ़ा था, सॉरी, हाँ टू सिलेंडर इंजन में भी पढ़ा था, ठीक है? तो इसी तरीके से इसमें है, जो इनर और आउटर थ्रोज हैं इसकी, उसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री हम मान के चलते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे इसको लेके चलेंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी स्टार्टिंग। ये पहले सिलेंडर को मान के चलते हैं, ठीक है, जिसका एंगल कितना हम मानेंगे, और इस एक्सिस से लेंगे हमेशा, दूसरा स्केच यूज कर लेते हैं, एंगल कितना है थीटा, और यहां पर हम ले लेते हैं इसको पहला, क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया दूसरा कितने पे एंगल है, और ये इनर है, ये दोनों कौन से होते हैं, इनर, और ये दोनों कौन से, ये अगर हम यहां पर एक सिलेंडर यहां पर बनाएंगे, यहां पर ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा, तो ये दोनों कौन से होंगे, आउटर होंगे, और ये दोनों इनर होंगे। तो अगर आउटर वाले का एंगल थीटा लिया हमने, तो इनका कितना लेना होगा, दोनों का 180 प्लस थीटा, क्लियर? तो इसको कितना लेना पड़ेगा, अगर ये आपने कुछ भी अगर एंगल लिया 20 डिग्री लिया या 120 लिया, या 120 डिग्री लिया, तो आप में इसमें 180 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको कितना करना पड़ेगा, इसको 300 करना पड़ेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो समझने के लिए कितना इजी पड़ रहा है हमें, तो ये जो एंगल होगा, ये जो हम दूसरा सिलेंडर बनाया, एंगल हम यहां से लेंगे, और ये जो होगा 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, ठीक है? इसी तरह से तीसरा सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी सेम बताया मैंने, सेम ही एंगल पे होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से, इनर है और ये आउटर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री, ठीक है? तो ये भी सेम होगा, और इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ये कितना होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है? और फोर्थ में कितना होगा, जो एंगल आउटर का कितना एंगल बनाया था हमने, थीटा एंगल बनाया था, ठीक है? समझ आ रही है बात, ठीक है? कुछ भी हम रट नहीं रहे हैं डायरेक्ट किताब से उतार के, या कुछ भी दिमाग में रट के कुछ लिख रहे हैं, सब चीज की, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, ठीक है? तो देखो ये तो हम किस केस का बनाया, हमने प्राइमरी क्रैंक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्राइमरी क्रैंक्स बना रहे हैं, सेकेंडरी में कुछ नहीं होगा, जो एंगल हमने थीटा लिया था वहां 2 थीटा ले लेंगे, जहां 180 प्लस थीटा लिया वहां 360 प्लस 2 थीटा ले लेंगे, यही तो लेंगे। तो देखो यार क्या करना है हमने प्राइमरी क्रैंक को, और मैं इसमें बताऊंगा इस वाले केस में ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करें, ग्राफिकली बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, टाइम भी कम लगता है समझने में एक बार अगर समझ आए तो। देखो पहले केस की बात करें, फोर्स किधर की साइड लग रहा है, फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर रहेगी, तो ये तो फोर्स लगेगा इधर की साइड, क्योंकि सबका मास जो हम जो रेसिप्रोकेटिंग मास है वो एम है, ठीक है? रेडियस भी कितना है आर है, ये हम सब चीज पहले ही मान के चले हैं, ठीक है? तो ये पहला फोर्स हो गया, तो उसको हमने 1 से डिनोट कर दिया, ऐसे देखो बाहर की साइड लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा फोर्स किधर की साइड लग रहा होगा, देखो अब आप खुद ही, इधर की साइड लग रहा होगा दूसरा फोर्स, इधर की साइड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड लगेगी, और ये डायरेक्शन इधर की साइड। इस वाले केस का आप तीसरे की बात करें अगर हम,
तीसरे की, थर्ड की, तो ये किधर की साइड लग रहा है? इधर की साइड लग रहा है, और फोर्थ किधर की साइड लग रहा है? उधर की साइड। देख लो, इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसने इसको बैलेंस कर दिया, तो प्राइमरी नेट प्राइमरी फोर्स कितना हो गया? कोई भी एनालिटिकल तरीके से, जो मुझे लगा एस एस रतन में शायद ऐसे ही दिया है, ठीक है, तो एनालिटिकल तरीके से हमें ग्राफिकली में ज्यादा समझ, एनालिटिकल भी आप कर सकते हैं। पहले में थीटा रखें, उसमें कॉस 180 प्लस थीटा, तो नेट फोर्स जोड़ेंगे तब भी जीरो आएगा, लेकिन इसमें समझने में अच्छा भी लगता है, इसको समझने में ठीक है। अगर आप इसका देखें सेकेंडरी, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी अभी इसके हम कपल भी देखेंगे, कपल कैसे आएगा, कपल देखते हैं, पहले वाले केस का देखते हैं, कपल कैसे बन रहा है, ऐसे ही बनेगा। और ये अगर हम इसमें क्या मानेंगे, एक रेफरेंस प्लेन माने, कपल के लिए तो हमें यार रेफरेंस प्लेन डायनेमिक बैलेंस करना पड़ता है, तो रेफरेंस प्लेन मानना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर की साइड लग रहा है पहले की बात करें तो, ठीक है, और ये किधर की साइड घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। पहला देखो, अगर इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो कैसे घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो पहले वाले को कैसे करेंगे, ये ऐसे आ रहा है इसका, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी उसकी, कुछ भी वैल्यू होगी, एक मान के चलते हैं, वैसे तो बता देता हूं कितनी वैल्यू होगी। ये सेंटर से अगर निकलता है और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का एल होता है, और ये भी एल बाय टू होता है, तो ये कितना होता है, 3L/2 होता है, और ये एंगल, ये डिस्टेंस अभी हमने पीछे जस्ट देखा है, ये कितना है, L/2। इसी तरीके से ये भी L/2, और ये पूरा अगर हमें निकालना हो वो कितना होगा, L+L/2, 3L/2, ठीक है। तो देखो पहले केस में तो ये पहले केस में इधर की साइड ये इसका कपल लग रहा है डायग्राम। अच्छा, अगर हम किसकी बात करें, तीसरे की बात करें, तीसरे की बात करें, तो वो भी किधर की साइड लगा रहा है, वो भी इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये देखो इधर की साइड फोर्स लग रहा है ना, ये भी, ठीक है। और हम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे इसको, इस पॉइंट के नीचे की साइड, ठीक है, ये भी इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तीसरे की बात करें तो वो ठीक है, कुछ वैल्यू होगी, और वैल्यू भी देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ये ज्यादा होगी पहले की, क्यों, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3L/2 से। देख लीजिए, पहले वाले में मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस 3L/2, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, और तीसरे में क्या होगी, डिस्टेंस कितना है, L/2 है, तो 3L/2 तो ज्यादा है ना, तो इसलिए हम ये एरो मैंने ज्यादा बड़ा बनाया और ये वाला एरो थोड़ा सा कम बनाया, ठीक है। अब ये वाले को, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं हम, इस वाले फोर्स को ये कैसे घुमा रहेगा, 2 वाला, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज को हम कैसे दिखाएंगे, इधर की साइड दिखाएंगे, और इसको किससे दिखाएंगे, 2 नंबर से। इसकी बात करें, देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालो, और ये देखो राइट की साइड घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और एरो मैंने छोटा क्यों बनाया, इसके जितना बनाया मैंने, देखो एरो, एरो कितना बनाया, इसके जितना बनाया ना, क्यों क्यों बनाया, क्योंकि जितना L/2 ये था, इतना ही L/2 ये है, फोर्स भी सेम है, डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट होगी, तो ये तो भाई साहब कैंसल हो गया। अभी तो इसका, अभी तो हमें फोर्थ भी रह गया हमारा, इसका कैसे घूम रहा है ये, ठीक है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने लिया है ना, देखो ये वाला किधर की साइड घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किधर की साइड घुमा रहा है, अगर इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पे अपना थंब रखिए और इसको ऐसे घुमाइए फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो ये क्या हो गया, 4 नंबर। देखो 1 को 4 ने कैंसिल कर दिया और 2 को 3 ने कैंसिल कर दिया, तो नेट मोमेंट भी यहां पर क्या आ गया, 0 हो गया, देखो, या नेट कपल भी क्या आ गया हमारा, 0 हो गया प्राइमरी वाले केस में, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंडरी भी देख सकते हैं, सेकेंडरी में कैसे होगा, सेकेंडरी वाले केस में। अब देखो पहले तो मैं यार इसका ये डायग्राम बनाता हूं जल्दी से, जो हमने प्राइमरी का बनाया उसी के कोरस्पॉन्डिंग में जल्दी से सेकेंडरी का डायग्राम बनाऊंगा। तो हमने प्राइमरी का पहला इस तरह से लिया था, ठीक है, दूसरे वाला इस तरीके से लिया था, ये भी इस तरीके से लिया था, और ये इस तरीके से, यही तो हमने प्राइमरी का बनाया था, ठीक है। तो देखो ये एंगल अगर हमने 120 लिया था थीटा,
ठीक है, और ये हम कहाँ से लेते हैं, यहां से लेते हैं, इस एक्सिस से अबाउट से लेते हैं। ये एंगल हमने कितना लिया था, 120 डिग्री मान लेते हैं समझाने के लिए जस्ट। तो यहां पर ये कितना हुआ था, 300 हो गया था, ठीक है, 180 प्लस थीटा में। अभी देखो आपको क्या करना है, अगर आप, मैं इसका क्या बनाऊंगा, सेकेंडरी क्रैंक्स का डायग्राम बनाऊंगा और उसमें एंगल कितना ले लेंगे, बस हम 2 थीटा ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लाइन बनाते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पूछा भी गया है बल्कि, ठीक है, और क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं हमारे सॉल्व इसमें। तो देखो अगर ये 120 डिग्री है मान लिया जैसे हमने, तो ये वाला एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 240 बनाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से, एक तरह से किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड को, तो इस तरह से ही तो बनेगा ना, 240 डिग्री, समझाने के लिए बता रहा हूं। वैसे कितना बनेगा, 2 थीटा। तो इसी तरीके से, इसी तरीके से ये कितना आया हमारा, 300 बना, तो वो कितना होगा, 600 होगा। तो इसी तरीके से ये भी किधर की साइड बनेगा, दूसरे वाला भी, ये भी इधर साइड बनेगा, ये पहला है। इसी तरह से तीसरा भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, इसी तरीके से चौथा भी सेम डायरेक्शन में बनेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 180 प्लस थीटा है ना, थीटा अगर हमने 120 माना, 120 माना, तो 180 प्लस थीटा कितना होगा, यहां पर आ गया 300 डिग्री, तो यहां हमें 600 बनाना है। 600 आप बनाने की कोशिश खुद कर लेना, कैसे बनेगा, पहले 360 बनाएंगे, फिर यहां 540 आएगा, 540 में 60 और जोड़ लो, तो देखो इधर ही बना। तो जहां दो, जैसे दो बन रहा था वैसे ही तीन बन रहा है, और जैसे एक बन रहा है वैसे ही चार बन रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने एंगल बना लिए सारे ये, ठीक है। तो देखो सेम तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, फोर्स देखेंगे अब इसका। फोर्स देखो, एक गड़बड़ आ रही है मुझे यहां डायग्राम से दिख रहा है इसमें, इसकी जो फोर्स है सभी एक डायरेक्शन में लग रही है, देखो एक ही डायरेक्शन में सारे, कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे और इस पॉइंट से शुरू करेंगे, पहले को दिखाएंगे, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सेम सबकी वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन, यही तो वैल्यू होती है इसकी। और सारी वैल्यू, अगर ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं फोर्स, ठीक है, सारे फोर्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो क्या वैल्यू होगी हमारी, अगर इसकी बात करें, ये चारों को अगर एम ऐड कर दे, क्या हो जाएगा, 4 into mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन n। अगर इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट अगर हमें फोर्स निकालना होगा, तो वो क्या लगा देंगे, मैं बता चुका हूं पहले भी, cos 2 थीटा, और ये वाला क्या होगा कंपोनेंट, साइन 2 थीटा आ जाएगा, अगर ये एंगल 2 थीटा है, क्योंकि ये भी 2 थीटा है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो सेकेंडरी हमारा फोर्स है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। लेकिन कल चलो कपल की बात कर लेते हैं, यहां पर हम कपल, प्राइमरी फोर्स तो हमें यहां पर ये गड़बड़ आ गई, इसीलिए हम 6 सिलेंडर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि यहां पर हमारा प्राइमरी फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आती रहती है, है ना। तो देखो अगर हम करें किसकी बात, सेकेंडरी हम करें कपल की बात, देखो पहले वाले केस की बात करते हैं। तो पहला कपल किधर की साइड लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, पहला वाला किधर की साइड लग रहा है, ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले को हम डायरेक्शन यही ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज की, इसी डायरेक्शन में ये लग रहा है, ठीक है, कपल का डायग्राम हमने बना दिया। दूसरा भी ये पहले के दिखाया हमने, ठीक है, दूसरा हम इधर को दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं, और दूसरा हम छोटा क्यू बनाते हैं, मैं बार बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये एल बाय टू है, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है, 3L/2 है, क्योंकि इसमें हमने एल भी जोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज इस तरह से रट रहे हैं, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अच्छा, इस वाले की बात करें, तीसरे की बात करें, अब ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर इस पॉइंट के बाद इसको, इसका मोमेंट निकालेंगे, तो ये क्लॉकवाइज देख रहा है, चेक कर लीजिए आप, इस पे अपना थंब रखिए और इसको घुमाइए, तो ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये जो 3 नंबर आएगा उसकी डायरेक्शन हमने इसके अपोजिट दिखा दी, 2 से। इसी तरीके से ये भी कैसे दिखा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये पहला कैसा दिखा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 नंबर। देखो इस एक ने 4 को कैंसिल कर दिया और 2 ने 3 को कैंसिल कर दिया, तो यानी कि नेट कपल, मैं फिर कह रहा हूं ईएस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं भरे हुए पूरी बुक में इसी टाइप से,
तो रटने से अच्छा है ना कि हम इसको समझे कि क्यों ये नेट कपल जीरो आया। अपना आधा घंटा लगा के अगर हम ये चीज समझ रहे हैं तो आगे तक काम आएगा ये, ठीक है। आप किसी को बता भी सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट रट लेंगे कि नेट कपल फोर फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन में इस तरह से जीरो आ रहा है, ये फायरिंग ऑर्डर रट लें बस आप, तो मेरा यही मेन मोटिव है यहाँ पर बताने का, ठीक है, ताकि आपको कोई चीज भी यहाँ से क्रैम ना करनी पड़े, रटनी ना पड़े, हर एक चीज का आपके पास एक्सप्लेनेशन हो, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अगले लेक्चर में सिक्स सिलेंडर इंजन के बारे में पढ़ेंगे, सेम इसी तरह से कंसेप्ट में, ठीक है। और उसी लेक्चर में मैं एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, क्योंकि हमने इतनी थियोरी पढ़ ली है तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, किस हिसाब से उसकी एप्लीकेशन, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी तो उसकी एप्लीकेशन कर पाएंगे जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।